हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फूड गैलरी। सैंडविच तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भेल का सैंडविच खाया है? जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे चटपटा भेल का सैंडविच बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा कप मुरमुरा लिया है, उसमें जाएगा एक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। मैंने यहाँ पर एक बॉईल किया हुआ आलू मैश करके डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप जिस भी प्रकार की भेल बनाते हो इजी वैसी भी बनाई तो चलेगा। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, उसी के साथ साथ टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर डाली है लाल मिर्च की पाउडर। अब जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, उसी के साथ साथ काला नमक। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हरी चटनी, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ नींबू और हरी मिर्च भी डाल सकते हो। हरी मिर्च डालकर इसमें जाएगा 1 चम्मच टोमेटो का सॉस। रेड चटनी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, अगर आपके पास मीठी चटनी है तो आप डाल सकते हो। ऊपर से जाएगा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपके पास है तो थोड़ा सा पुदीना डालें, जो भी फरसान आपके पास अवेलेबल है वो डालें। मैंने यहाँ पर मिक्स फरसान और थोड़ी सी छोटी सेव डाली है। ये सब मिक्सचर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। परफेक्ट भेल बन के तैयार है, ज्यादा गीला इसे नहीं करना है, थोड़ा सा ड्राई ही रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेड और उसके ऊपर अप्लाई किया है बटर, आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। बटर वाली साइड नीचे करनी है, ऊपर की साइड से भी बटर अप्लाई करके ले लेना है। अब इसके ऊपर हम भरेंगे हमारी भेल की स्टफिंग। इसके हम 2 लेयर्स बनाकर ले लेंगे, ऊपर से भी एक ब्रेड का पीस रखेंगे, इसके ऊपर भी एक भेल का लेयर बनाएंगे। ज्यादा जाड़ा लेयर नहीं बनाना है, मीडियम लेयर बनाना है इस तरह से। इसके ऊपर दूसरा वाला ब्रेड हम रखेंगे जिसके ऊपर मैंने बटर अप्लाई किया है, ऊपर से भी बटर अप्लाई करके ये परफेक्ट सैंडविच हमारा रेडी है। अब हम इसे रखेंगे हमारे सैंडविच मेकर में, आप चाहो तो ग्रिलर में भी ग्रिल कर सकते हो, लेकिन इस सैंडविच मेकर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। प्रेस कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पर अच्छे से इसे सेक कर ले लेना है। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा जबरदस्त सैंडविच बन के रेडी है। टेक्सचर इतना कितना बढ़िया आया है आप देख सकते हो। इसे 4 पीसेस में हम कट करके ले लेंगे, ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी, बारीक सेव और टोमेटो सॉस के साथ इसे गार्निश करेंगे और गरम गरम ही इसे सर्व करना है। एकदम जबरदस्त टेस्ट आता है, आप चाहो तो इसके ऊपर चीज भी स्प्रेड कर सकते हो। इजी रेसिपी है, एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें होम फूड गैलरी।